फर्स्ट पार्ट को जिस फील्ड में मैंने खत्म किया था उसके टोटली अपोजिट नया पार्ट शुरू होगा अब। तो इस बार नहीं हुआ पिछले बार के जैसा, डे वन से हमने शुरू कर दिया घूमने को। पहले हम कहाँ गए आप देख लिए, अब हमारे फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किया जिसने, क्या नाम है, आशीष जी पुणे में पहली बार आए, अपने दोस्तों से मिलने पहली बार आए। yes. कैसा लग रहा है आपको? A few moments later, run. फाइटिंग को स्किप करेंगे हम लोग, और अब हम यहाँ से घूम फिर के निकल रहे घर की तरफ। कल अगर भाई लोग कहीं गए तो हम वीडियो में ऐड करेंगे, वरना हमेशा के लिए खत्म करेंगे। क्या भाई मुझे मारता है तू? मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो अपने स्टाइल पे आते हुए एक बात कहेंगे कि ऐसे वैसे जैसे तैसे डे टू में 6 महीने का वनवास काट के आगमन हुआ। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, उल्लू बनाने वाला आलसी इंसान दिव्यांश कुआपवी 6 महीने बाद आए भाई साहब उत्तराखंड से, बोले तो खूब एक्सप्लोर करेंगे। वहां पे एक्सप्लोर किया और दिव्यांश भाई मतलब बस बैग वैग भर के लाए ले वहां से, चीज का बैग। ओ भाई लादी, क्या है ये? वाइट चॉकलेट। ओ व्हाट दिस, वो नहीं 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 तीन हिस्से में इसके तीन लोग बहुत अच्छी लग रही भाई की, लेकिन फोटो बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो हमारी फोटो देखनी है आपको, तो हम तीनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इसको मत करना, इसको एक्चुअली पता नहीं क्या होता है फोटोग्राफी। ये भाई आगे जगू और सुपर जी इंतजार कर रहे होंगे हमारा। जैसे फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार राजपल यादव का इंतजार कर रहा था, उसी तरह रोड के किनारे हमारे दिव्यांश जी रिक्शे वाले का इंतजार कर रहे, जो कि हमको नहीं मिल रही थी। और आखिरकार हमें रिक्शा मिल गया और हम निकल पड़े। और फिर हम पहुंचे पुणे के स्वामीनारायण मंदिर में, जहां आके फिर से खुशी का एहसास हुआ। एक दिन पहले बानेर हिल्स घूमने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन सातवें आसमान पे थी, और इस एक्सपेक्टेशन को पूरा किया पुणे के स्वामीनारायण मंदिर ने। यहाँ पे आके एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील होती है, जो मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो में या बोल के कि कितना अच्छा और कितना सुकून महसूस होता है। इस जगह पे आके जग्गू और आशीष दिव्यांश से लगभग 6 महीने बाद मिले, अलग ही एहसास रहा। और इससे अच्छी क्या जगह हो सकती थी हमारे मिलने की। और इस क्लाइमेट ने एक अलग ही इफेक्ट ला दिया, एक अलग ही खुशी ला दी इस मिलन पे। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हम इस सुकून को खो बैठे, यहाँ पे आके वो सुकून मिलता है। हाँ अलग बात है कि मैं खुद कैमरा और मोबाइल लेके खड़ा था, लेकिन मन को एहसास होता है और मन को एहसास होना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फैमिलीज, फ्रेंड्स, अलग ही टाइम। स्वामीनारायण जी के इस मंदिर में
एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील हुई मुझे। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक फीलिंग्स है। तो ये थी मेरी स्वामीनारायण मंदिर की जर्नी।